तो दोस्तों चलिए एक बचपन का किस्सा शेयर करता हूँ आपके साथ। जब हम स्कूल में थे यानी कि प्राइमरी स्कूल में, तब मैजिशियन आया हुआ था स्कूल में, ठीक है। तो हुआ यूँ कि उसने बहुत सारी अच्छी अच्छी ट्रिक्स दिखाई, बट हमने चूज की एक कॉइन वाली ट्रिक। हालांकि उसने उससे भी अच्छे अच्छे ट्रिक्स दिखाई थी, अपने जो गिमिक होते हैं ना, बड़े बड़े मशीन होते हैं, ठीक है, उससे ट्रिक्स दिखाई थी, बट हमने उस लिए वो पसंद की क्योंकि हमने सोचा कॉइन तो सबके पास होता है, तो अगर वो मैजिशियन हमें भी सिखा देना वो ट्रिक तो बहुत मजा आ जाए, ठीक है। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उसने एक भी ट्रिक हमें नहीं बताई कि कैसे हुई थी। तो दिमाग में थी कि वो कैसे हुआ होगा, तो रिसेंटली मुझे पता चल गया उसका सीक्रेट, ठीक है। तो क्यों ना आपके साथ आज शेयर किया जाए वो सीक्रेट। तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत सारे ट्रिक्स दिखाऊंगा कॉइन की और अलग अलग ट्रिक्स भी, ओके। तो क्या करूंगा, पहले ट्रिक दिखा दूंगा और बाद में सिखा भी दूंगा। तो आज का वीडियो आप पूरा देखना, एम करते हैं 10,000 लाइक्स के लिए। उम्मीद है आप जल्दी से जल्दी 10,000 लाइक्स कंप्लीट करवा देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हमारी आज की वीडियो ये इतनी खास इसीलिए है क्योंकि ये जो आप कार ट्रिक देखने जा रहे हो ये हमारे चैनल पे हुई आज तक की सारी कार्ड ट्रिक्स में से सबसे एडवांस लेवल की कार्ड मैजिक ट्रिक होने वाली है। यकीन नहीं होता तो देख लीजिए, यहाँ पे दो चीज़ें रखी हुई है, ठीक है। एक कार्ड के डेक का बॉक्स है और पूरा एक डेक है, ओके, कार्ड का। इसको मैं इस तरीके से फैला देता हूँ, ओके। इसमें से कोई भी एक कार्ड आपको चूज करना है, आप यहाँ पे नहीं है, इसको ईजी बनाने के लिए मैं कोई भी कार्ड चूज कर लेता हूँ। आपको जस्ट क्या करना है, इस कार्ड को आपको याद कर लेना है, ठीक है। मैं इसको रखता हूँ, आप इसे याद कर लीजिए। मैं सारे कार्ड जो अच्छे से समेट लेता हूँ, ठीक है। समेट लिए, आपने कार्ड याद भी कर लिया होगा आई थिंक, ठीक है, दिख रहा है अच्छे से। अभी कार्ड को इसके यहाँ पे रख देते, ओके। एंड गाइस, इसको क्या करते हैं, ये जो हमारा कार्ड था ना, ठीक है, इसको और भी डिफिकल्ट बना लीजिए। ये जो हमारा कार्ड है इसको मैं डाल देता हूँ कहीं पे भी बीच में, ओके, कहीं पे भी बीच में डाल रहा हूँ। कोई भी मेरा हाथ बस इसमें नहीं है कि उंगली फंसा रखी, ओके। अभी मज़ेदार चीज़ होने वाली है, वो ध्यान से देखना कि मैं इस कार्ड के डेक को उठा रहा हूँ, ठीक है। आपका कार्ड तो याद ही होगा, जो आपने कार्ड चूज़ किया था, इस कार्ड के डेक के बॉक्स में डाल दूंगा, ओके। ये भी फट गया, इसे भी अच्छे से बंद करना पड़ेगा, नहीं तो ये कट फट जाएगा, ओके। सो गाइस, हियर वी गो, इसको अच्छे से बंद कर देते। बंद कर दिया मैंने। गाइस, अभी जो चीज़ होगी ना, आपकी आंखों पे यकीन नहीं होगा आपको, तो मैं आपको पहले ही क्लियर करके दिखा दूं कि ये जो पूरा है ना, ठीक है, एकदम ओरिजिनल है, ठीक है, कहीं पे भी कोई छेद भेद नहीं है, क्योंकि अभी जो चीज़ होगी ना आपको हैरान करके रख देने वाली है, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूँ, अपना हाथ एक नीचे ले जाता हूँ एंड मैं यहाँ पे, हियर वी गो, 1 2 3। अभी जो जादू हुआ, क्या आपने देखा कि इसमें पूरा डेक रखा हुआ था, वो डेक आ चुका है नीचे। अभी मैंने, ठीक है, क्यों बोला था आपको समझ में आया कि यहाँ पे कोई छेद नहीं है, डेक आ गया नीचे। अभी मज़ेदार चीज़ अभी होगी, ठीक है। आपका कार्ड कौन सा था मुझे पता है या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जब मैं इस बॉक्स को खोलता हूँ, इसमें एक कार्ड रखा हुआ है। क्या ये है आपका कार्ड? देख लीजिए कि यह वाला था, और पास से दिखाता हूं, क्या ये था आपका कार्ड? कैसी लगी ट्रिक? ये थी वो एडवांस लेवल की मैजिक ट्रिक, सीखनी है ना इसको, तो वीडियो को देखते रहिए। सो गाइस, चलिए एक ऐसी ट्रिक दिखाता हूं ना जिससे आपको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होगा। यहां पर मेरे पास एक डेक है, ठीक है, कार्ड्स का। तो इसमें से हम कोई भी एक कार्ड चूज कर लेते हैं, इट डजंट मैटर, आप कोई भी कार्ड जो चूज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ना, अपने हाथ दिखा देता हूं पहले ही, ठीक है, कि देख लीजिए हाथ एकदम खाली है, कार्ड ये, ठीक है। अभी असली गेम स्टार्ट होने वाला है, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे एक सीजर उठाऊंगा और इस कार्ड को काटने वाला हूँ, और बाद में जो होगा ना वही मेन चीज होगी, ओके। तो देखिए, इस कार्ड को मैं अच्छे से कट कर देता हूँ, ठीक है, कट कर दिया, इतना ही सिरसा बचा है, ठीक है, इसको भी कट कर ही देता हूँ। ये अच्छे से इसको मैंने कट कर दिया, एज यू कैन सी, अभी जो छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है ना इसका, ठीक है, इसको देखिए मैं एक ही सेकंड में अपने हाथ में रखता हूँ। हियर वी गो, 1 2 3। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हाथ खोलते ही कुछ कंप्लीट अलग चीज़ क्या है, ठीक है, पिंक कलर की एक 20 रुपये की नोट, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए इसको। देखिए, पहले मेरे हाथ में कार्ड का टुकड़ा था छोटा सा, ठीक है, बट अभी ये 20 रुपये का नोट बन चुका है, देख सकते हो। अभी कुछ लोग कहेंगे कि इससे मैं पैसे क्यों नहीं बना लेता ये सारे कार्ड से, ओके। तो गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, ये जस्ट एक ट्रिक है जिसे आप अपने घर पर आसानी से कर सकेंगे और लोगों को, किसी को भी इंप्रेस कर पाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए इस तरह से आप इसे कर पाएंगे, ओके। जस्ट क्या करना है, वीडियो को देखते रहिए, आपको ट्रिक आ जाएगी। सो गाइस, एक कमाल की ट्रिक दिखाता हूँ, एकदम कसम से बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, आप मतलब देखिए एक बार, ठीक है, मैं बता देता हूँ। इसके लिए मैं यूज करूंगा एक रिंग, ये ट्रिक आप अपने घर पर आसानी से कर लेंगे, आपके पास सभी चीजें होगी, ओके। ये भी मैं बता देता हूँ, इस तरह की रिंग, ओके। तो ये हो गई अपनी एक रोप छोटी सी, और एक रुमाल हो गया, बस इतनी ही चीजें चाहिए। अभी बात ये है, ट्विस्ट यहाँ पे ऐसे होगा कि ये रिंग है ना, आपको कुछ यहाँ पे डालनी है, ठीक है, यहाँ तक पहुंचा देनी है,
इस तरीके से बीच में, ओके। बट यार ये तो मैंने ऐसे ही कर दिया, बट ना ही आप ये सिरा यूज कर सकते हो और ना ही ये सिरा, ठीक है, यहाँ से नहीं डाल सकते और ना ही आप यहाँ से डाल सकते हो। अभी बच्ची कहाँ से, ठीक है, पहले ही बता दूँ इसमें कहीं से कोई कट नहीं है, ठीक है, नहीं तो कुछ लोग ऐसा सब करेंगे इसमें कट था भाई, ठीक है, इसलिए हो गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट यहाँ पे ना तो ये यूज़ कर सकते और ना ही ये यूज़, बट हम मैजिक यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी, ओके। मैं पहले बता दूँ, देखिए इन दोनों सिरों को मैं इस तरीके से डाल देता हूँ, ठीक है, आपकी आंखों के सामने। ये रिंग हो गई, इसको रख दूंगा यहाँ पे, ठीक है, रुमाल है, ठीक है, रुमाल को इस पर रखता हूँ, पीछे से यहाँ पे मैजिक होगा, ओके। देखिए आप ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ें चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। मैं यहाँ करता हूँ एक जादुई गांठ लगा रहा हूँ, आप सोचोगे कि ये कर क्या रहा है, बट आई एम फिक्सिंग अ नॉट हियर, ओके। देखिए कुछ ऐसे मैंने गांठ लगा दी, ठीक है, अभी देखना, ये देखिए ये मैंने उठा लिया, ओके, जस्ट उठा ही लिया आपके सामने, गांठ लगाए उठा लिया, एक भी सिरा आपके सामने टच नहीं किया। तो हियर वी गो, 1 2, और ये देखिए ये अंदर जा चुकी है यार, गांठ लगाई और ये अंदर कैसे जा गई, ठीक है, जानना चाहते हो, एकदम सिंपल ट्रिक है, आप गारंटी है आसानी से कर लोगे, वीडियो को आप देखते रहिए। सो गाइस जिस ट्रिक के बारे में हम बात कर रहे थे कि जो कोई ट्रिक होगी, ओके, देख लीजिए, चलिए हम स्टार्ट कर देते। अभी पहले बता दूं कि एक कॉइन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरे हाथ में, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, ये जो कॉइन आप देख रहे ना, इसको अपने हाथ के अंदर डाल दूंगा। मुझे बताया आपको यकीन नहीं हो रहा, बट देखिए 1 2 एंड 3, ओके, ये मैंने इसको अपने हाथ के अंदर डाल दिया, थोड़ा सा और वजन भी दे दिया, और वजन दे दिया, ठीक है। अभी क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा आने लगा है, मतलब अंदर हाथ में जा चुका है, ओके। देखिए पहले इस हाथ में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे है, ठीक है, कॉइन यहाँ से मैं धक्का दूंगा इसको, हाथ के अंदर है और ये हो सकता है कि यहाँ से निकल आए, ठीक है, खोलने पर पता लगा कि कॉइन जो इस हाथ में आ चुका है। सो गाइस ये है वो ट्रिक, बेसिकली इसे बच्चे भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, देख लिया, हो सकता है कि आपको अंदाजा अभी लग गया हो, ठीक है, कि ये ऐसे हुआ वैसे हुआ, ठीक है, देखते रहिए, अगर अंदाजा नहीं लगाया तो मैं आपको सिखा भी दूंगा। सो गाइस ये थी आज की सारी ट्रिक्स। अभी आप सोच रहे हो कि वीडियो खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं, अभी चलने वाला है, ठीक है। तो अभी सीक्रेट बताऊं ना इसके पीछे का, यानी कि रहस्य जो होता है, ठीक है, अभी उसे बताओ। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक कर देना, जिससे हमारा एम जो है ना 10,000 लाइक्स का जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके। एंड हमें कमेंट करके बताना कि आज की वीडियो कैसी लगी आपको और कौन सी ट्रिक आपको ज़्यादा पसंद आई। एंड फाइनली जो ये वीडियो है ना, उन दोस्तों के साथ शेयर करना, उन रिश्तेदारों के साथ शेयर करना जो बोलते हैं यार मैजिशियन सच में होता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, उसके पीछे सारे के सारे सीक्रेट्स होते हैं। एंड फाइनली अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे वीडियोज आगे भी देखना चाहते हो तो देर किस बात की, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन पर प्रेस, तो आने वाले ऐसे वीडियोज आप देख सकेंगे। तो चलिए अभी रियल वीडियो जो है ना स्टार्ट अभी हो रहा है। सो गाइस ये मैजिक ट्रिक इतनी आसान है ना, इसे बच्चा भी कर लेगा, यकीन नहीं होता, देखते रहिए। यहाँ पे मैंने क्या किया, आपको ऑप्शन दिया कि कोई भी कार्ड चूज़ कर लो, आप यहाँ पे नहीं थे, मैंने कोई भी कार्ड चूज़ कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आप कार्ड चूज़ कर सकते हो। मैंने कार्ड दिखाते वक्त कि ये है आपका कार्ड, यहाँ पे एक कार्ड इस तरीके से ये कर दिया, ठीक है, उल्टा कर दिया, आपको कार्ड याद करवा दिया, इसको यहाँ पे रख दिया, ठीक है, इस तरीके से रख दिया, और पीछे से मैंने 2 कार्ड उठाए, ठीक है, जो मैंने उल्टा किया था ना, ये वाला कार्ड भी साथ में उठा ही लिया, ठीक है, इस तरीके से उठा लिया। और अभी जब इसको पलटा ना, तभी आपको लगा कि एक कार्ड पलटा, पर मैंने 2 कार्ड पलटे एक्चुअली में, ओके। तो अभी ऊपर वाला कार्ड ये था जो आपने चूज़ नहीं किया, इसको बीच में डाल दिया कुछ इस तरीके से। अभी जो आपने चूज़ किया था ये कार्ड तो यहीं पे था, अभी मज़ेदार पार्ट अभी आने वाला है, क्योंकि देखिए जब मैंने इसको बंद किया ना बॉक्स को, कुछ इस तरीके से मैंने बंद किया था, देखिए मैंने इसको इसमें रखा, ठीक है, और बंद करने का तरीका ये था कि मैंने एक कार्ड को अलग करके रख दिया, ओके, जैसा कि आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा कि मैंने अलग करके एक कार्ड को चूज़ करके, जो आपने चूज़ किया था ना, उसको अच्छे से पैक कर दिया। अभी आप सोच रहे होंगे कि बाकी का डेक गया कहाँ पे, तो यहाँ पे देख लीजिए ये कटा हुआ था, ओके, डेक के जो है ना कार्ड के डेक का बॉक्स ये कटा हुआ है, इसको छोड़ते ही ये गिर गया, तो मेरा हाथ नीचे था, ठीक है, इसको कैच कर लिया, देन यहाँ पे रख दिया, ठीक है, मतलब यहाँ पे गिर गया तो मैंने बाप ने उठा लिया, एंड जब इसे पंच मारा तो ये हाथ में आ गया, ठीक है। और अभी जो हमने कार्ड चूज़ किया है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सिंपल है यार। सो गाइस चलिए आपको बता देता हूँ कि कैसे मैंने कार्ड का टुकड़ा जो ऐसा होता है ना, इसको अपने हाथ में कुछ इस तरीके से, हियर वी गो, 1 2 3, देखिए नोट में बदल चुका है, ठीक है, एकदम आसान तरीका है, आई होप आपको इसमें पता चल गया होगा, ठीक है, चलिए सिखा देता हूँ। क्या किया मैंने, एक नोट लिया, उसको इस तरीके से फोल्ड किया, ठीक है, कोई भी कर लेगा, एकदम आसान तरीका, ओके। अभी क्या करना है, ग्लू लेना है, ठीक है, थोड़ा सा ग्लू लगा दो नोट पे, उसके जो पीछे का हिस्सा है ना उसको चिपका देना है आपको एज टू एज अच्छे से कार्ड के पीछे, ठीक है, समझ गए, कार्ड दिखाना है आपको आगे से, सपोज अगर आप दिखा भी देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 3 उंगली रख दीजिए कि ये मेरे पास कार्ड है, ओके। देन क्या करना है, एज टू एज कट भी कर देना है, ठीक है, जैसे कि मैंने कट किया था, आपके लिए बचा अभी एक छोटा सा कार्ड का पीस, ओके, कार्ड का पीस बचा। अभी क्या करना है, देखो
दिखना नहीं चाहिए पिछले कैसे, ओके। हियर वी गो, 1 2 3, देखिए ये बन गया नोट, इसको अच्छे से खोल दो, ठीक है, किसी को भी पता नहीं चलेगा, लाइक दिस, ओके, यहाँ पे ये चला जाएगा। सो गाइज, यहाँ पे एकदम सिंपल सी ट्रिक थी, रूमाल हम यूज नहीं करेंगे ताकि आप अच्छे से देख सके, ओके, एक रोप, एक नॉर्मल सी इस तरीके की रिंग, ओके। मैंने क्या किया, यहाँ पे आपके आंखों के सामने इसको यहाँ पे रख दिया। अभी करना क्या है आपको, एक सिरा यहाँ से उठाना, ध्यान से देखना, एक सिरा यहाँ से उठाना, एक बीच में से, जहाँ रिंग का ये है ना, इसके बीच में से उठा लो, उठा लिया, ठीक है, एकदम नॉर्मल है, इसको लगा दो गांठ, वापस ये सब इस तरह से पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी गाइज आपकी जो चालाकी आप करोगे ना, यहाँ से अंगूठा डाल के इसको इस तरह से निकाल लो, ठीक है, ये जो रिंग के ऊपर रहेगी ना, इसको यहाँ से निकाल लो, काम खत्म। अभी इस तरह से दिखाओ कि मैंने नॉर्मल गांठ लगाई है, लोगों को लगेगा हाँ गांठ लगाई है नॉर्मल, गांठ को इस तरह से खींचो और रिंग अपनी चली जाएगी अंदर। सो गाइस, मैंने कॉइन ट्रिक कैसे की थी, चलिए आपको दिखा देता हूँ। मैंने कॉइन लिया, ठीक है, कोई भी आप कॉइन ले सकते हो। मैंने क्या किया, इसको लिया यहाँ पे 1 2 3 ऐसा करके इसको ऐसे दबोच लिया, ओके, मतलब दबा दिया अपने हाथ में। तब क्या किया, इसको मैंने अपने अंगूठे के पीछे ले लिया कुछ इस तरीके से, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसको वजन दिया, अच्छे से सेट कर लिया, ठीक है, ताकि वो घिरे ना। बाद में आपको इस तरीके से दिखाया, और यहाँ से गुजरते वक्त मतलब हाथ यहाँ से निकल रहा था, ठीक है, तब कॉइन गिरा दिया और आपको दिखाया कि देखो हाथ खाली है, कॉइन यहाँ पे आ चुका था। सेम दोनों कॉइन के साथ ऐसे ही कीजिए, आसानी से आप भी कर लेंगे। तो दोस्तों, अभी वीडियो खत्म होने आ रही है और आप यहाँ तक देख रहे हैं, तो दिल से थैंक यू वेरी मच, क्योंकि यार पूरी वीडियो कोई नहीं देखता, मैंने बोला था पूरी वीडियो देखना और आपने देख भी ली, तो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है लाइक भी कर दिया होगा, ताकि हमारा एम जो है ना 10,000 लाइक्स का, वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट भी हो जाए। और हाँ, अभी तक देख रहे हो तो कमेंट जरूर छोड़ के जाना कि मैंने वीडियो पूरी देखी, ताकि हमें पता चले कितने लोग जो वो पूरी वीडियोस देख रहे हैं। और फाइनली ऐसे वीडियोस आगे भी देखना चाहते हो मैजिक से रिलेटेड, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन पर भी प्रेस कर देना। और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगेन थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आपने वीडियो को पूरा देखा। थैंक्स अगेन।